कहानी उस बिंद की नेता की जो रीवा में बैठकर राजधानी में भूचाल मचा देता था। आज वही स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन है। बिंद की धरती दो चीजों के लिए जानी जाती है, पहला सफेद बाघ मोहन और दूसरा रीवा का सफेद शेर पंडित स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी। दादा नहीं दऊ आए, वोट न देबे तऊ आए, पंडित श्रीनिवास तिवारी के लिए बनाया गया यह नारा आज भी लोगों के जहन में गूंजता है। वे रीवा के सफेद शेर कहलाते थे। लोग उन्हें इज्जत से दादा जरूर बुलाते थे, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए वो दादा यानी कि भगवान थे। जैसे ईश्वर की इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, वैसे दादा श्रीनिवास तिवारी की मर्जी के खिलाफ बिंद में कोई इधर से उधर नहीं होता था। आज स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन है। खबरिया.com का यह लेख आज उन्हें समर्पित है। जब शाहपुर में जन्मा बिंद का कद्दावर नेता भगवान बन गया। 17 सितंबर 1926 की बात, दादा श्रीनिवास तिवारी का जन्म उनके नैनिहाल शाहपुर में हुआ था। उनका गृह ग्राम रीवा जिले का देवनी था। वे वहीं पले बढ़े और रीवा सिटी में मौजूद ठाकुर रणवत सिंह कॉलेज से वकालत की पढ़ाई पूरी की। दादा ने पढ़ाई करने के दौरान ही राजनीति में कदम रख दिया था, साथ ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन में दादा ने खूब लड़ाइयां लड़ी थी। स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी अपनी जवानी से ही साम्यवाद के खिलाफ थे। उनके लिए गरीबों पर होने वाला अत्याचार बर्दाश्त से बाहर था। जब वे सिर्फ 22 साल के थे, तब उन्होंने बिंध प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वजूद में लाया। वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य बन गए थे। वो ऐसा वक्त था जब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का प्रदेश की राजनीति को पलट कर रख देगा। चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। वे एक गरीब किसान परिवार से संबंध रखते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सके, तो गांव के ही सज्जन कामता प्रसाद तिवारी ने उनकी मदद की और अपने घर में पुश्तैनी सोने को गिरवी रखकर उन्होंने दादा को चुनाव लड़ने के लिए 500 रुपए की मदद की और पंडित तिवारी पहली बार मनगमा विधानसभा से विधायक बने। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादा का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि बड़े बड़े नेताओं का कद उनके आगे ठिकना दिखाई पड़ने लगा था। जब साल 1973 में इंदिरा गांधी ने श्री तिवारी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा ली, तब उन्होंने दादा को सफेद शेर कहकर पुकारा था। वर्ष 1980 में दादा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे और कुछ समय बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन एमपी में अर्जुन सिंह की सरकार में वो हमेशा शामिल रहे और 1990 तक लगातार विधायक बनते रहे। वर्ष 1990 में उन्हें विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाया गया और 1993 में दिग्विजय सिंह के सत्ता में आने के बाद श्री तिवारी मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बन गए। इस दौरान वो स्पीकर भी थे। जब गूंजा दादा नहीं दऊ आए, वोट न देबे तऊ आए का नारा। साल 2008 में दादा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता और सम्मान पर कोई आंच नहीं आई। उनके चुनाव हारने के बाद भी दादा के सपोर्टर्स ने एक नारा दिया जो आज भी लोगों के जहन में गूंजता है। वो नारा था, दादा नहीं दऊ आए, वोट न देबे तऊ आए। अर्थात इसका अर्थ है, दादा नहीं भगवान है, वोट नहीं मिले फिर भी वो भगवान है। अपने सिद्धांतों के प्रति वो अटल थे। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलता है, उसे महान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दादा भी अपने सिद्धांतों के प्रति अटल थे। जब वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधायक थे,
तब भी वे अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर देते थे। जिस मंत्री पद के लिए बड़े बड़े नेता नेताओं के आगे सिर पटकते हैं, उसी पद को दादा ने सिर्फ अपने सिद्धांतों के लिए त्याग दिया था। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से उनका मतभेद तो चलता था, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ। दादा का स्वभाव कुछ ऐसा था कि अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलने से जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। जो गलत है वो गलत है, बात खत्म। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, सुना है यहाँ कोई शेर रहता है। एक बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रीवा आना हुआ था। भरी सभा में उन्होंने दादा के नाम पर इशारा करते हुए कहा था, सुना है यहाँ कोई सफेद शेर रहता है। उनके सिर्फ इतना बोलने से ही मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। अत्याचारी कुंवरों के आतंक को खत्म कर दिया था। आजादी के पहले और बाद में रीवा में कुछ दबंगों का राज चलता था। दाऊ साहब लोगों का जो मन करता वे कर डालते थे। किसी की बहु बेटियां को उठा लेते थे, लोगों की हत्या कर देते थे, रास्ते में रोक कर किसी के सामने ही उनकी पत्नी को उठा लेते थे, और किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि वो कुंवर साहब के आगे चूर से चाँ कह दे, बस जी दाऊ साहब कहकर मुंडे हिला देते थे। उस वक्त का रीवा किसी बॉलीवुड की फिल्म जैसा था, जहां गांव में एक कुंवर साहब रहते हैं और उनके बच्चे जनता को प्रताड़ित करते हैं। जो दाऊ साहब करते वो जायज माना जाता था, लेकिन जब पंडित श्रीनिवास तिवारी का सत्ता में आना हुआ, उन्होंने अत्याचारी लोगों की नाक अपनी जूती में रगड़वा दी, उनके वर्चस्व को कुचल के रख दिया। उस वक्त फलाने हाउस ठिकाने हाउस नहीं, सिर्फ अमैया हाउस का नाम चलता था, जिसमें दादा रहते थे। दादा जातिवादी नहीं थे, उनके समर्थन में हर वर्ग हर जाति के लोग शामिल थे, या यूं कहें कि किसी की मजाल नहीं थी कि कोई दादा के खिलाफ जाने की हिमाकत कर पाता था। वो पंडित श्रीनिवास तिवारी ही थे जिन्होंने रीवा के अत्याचारी दबंगों और वंशवादियों के तोते उड़ा दिए थे। और जब शोक में डूबा बिंद, 19 जनवरी 2018 को दादा की आत्मा ने देह का त्याग कर दिया। किसी को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर भगवान कैसे मर सकता है। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे बिंद को रुला दिया। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने दादा की अंतिम यात्रा को देखा नहीं होगा। फूलों से सजी उनकी अंतिम यात्रा अपने आप में रुला देने वाली थी। एक शेर था जो हमेशा के लिए बिंद को अनाथ करके परमात्मा के पास चला गया। बिंद के सफेद शेर स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी को खबरिया.com का सत सत नमन।